Thank you.
Oh.
Oh.
मृत्यु बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे ला
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। Thank you.
कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। वो मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। आंतरिक शुद्धिकरण के प्रयोग में शांत एकाग्र और रिलैक्स्ड होकर बैठ जाएं। आज आत्मशुद्धि की एक बहुत सुंदर यात्रा करेंगे। आज मुलाकात करेंगे स्वयं के शुद्ध सात्विक संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप से। जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, प्योर वॉइसलेस अपना वो स्वरूप जो एक बच्चे की भांति इनोसेंट है, आज उस अनुभव को अपना वर्तमान बनाएंगे। मेरा जीवन एक कहानी है, आज उस कहानी को देखेंगे।
मेरा मन वो किताब है जिस किताब पर मेरी जीवन कहानी की स्मृतियां अंकित हैं। अपने कर्म रूपी कलम से मैंने अपनी जीवन कहानी लिखी है। हाँ, एक एक कर्म मानो मेरी जीवन कहानी की जुड़ती हुई कड़ी है। इस एहसास को इसकी गहराई को अनुभव करेंगे। चाहे वो कर्म छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, लेकिन हर कर्म इस कहानी का हिस्सा बन जाता। जब मैं अपनी कहानी देखती हूँ और उसकी पूर्णता में इस कहानी को देखती हूँ, तो सतयुग से मेरी कहानी शुरू हुई थी। उस कहानी का एक एक कर्म बहुत शोभनिक था। सात्विक था, प्योर था। याद करें, ये मेरी वास्तविक जीवन रही समय के एक मोड़ पर। Accurate, pure, निस्वार्थ, शुद्ध कर्म,
जैसे किसी के बहुत सुंदर अक्षरों से, कोई किताब के पन्ने यूं महसूस होते जैसे ये मोतियों की श्रृंखला है। ठीक ऐसे ही मेरी कहानी की शुरुआत में लंबे काल तक प्योर सात्विक और निस्वार्थ कर्म बने रहे। आज उस शुद्धि की स्मृति भी मुझे शक्ति दे रही है। वाह, दो युगों तक मैंने ऐसे निस्वार्थ कर्म किए लगातार, क्या मेरी आत्मिक शक्ति रही? आज याद करें अपनी संपूर्ण सतोप्रधानता को और इन यादों से सुख पाए। समय चलते कर्म रूपी कलम जारी रही, लेकिन जब साक्षी होकर अपनी कहानी देख रही हूं तो दिखाई देता कि शुद्धि में अशुद्धि की एलॉय मिक्स होती गई। और कर्मों की क्वालिटी में भी अंतर पड़ता गया।
ये दौर भी। कारणे अकारणे लंबा ही चलता गया द्वापर युग कली युग, दो युगों तक कर्म की क्वालिटी कम होती चली गई। एक समय जिस किताब में मोतियों की जड़त थी, अब उसी कहानी में जीवन किताब में दाग पड़ गए। दाग मिटाने की चेष्टा भी लंबे काल की बनी रही। पर समय चलते समय पर ही वो सहारा मिला कि जो मुझे पुनः बेदाग बना सके। हाँ, मेरी जीवन कहानी में वो मोड़ आया जब भगवान मेरे खातिर मेरे जीवन में आया। उसकी नजर ने मुझे अपनी पूर्णता में देखा। उसने मुझे कहा, तुम जो हो जैसे हो तुम मेरे हो। हाँ बच्चे, तुम मेरे हो। इस अपनेपन ने, इस प्यार ने मुझे भी संपूर्ण प्रेम में डुबा दिया, समा दिया। आज
उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से। मैं आत्मा मन और बुद्धि से मिलन मनाती हूँ। जो हूँ, जैसी हूँ, उसकी हूँ और विश्वास रखती हूँ कि वो मुझे शुद्ध, सात्विक, अपने जैसा बनाएगा। तो चलो ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा मंगल मिलन मनाए। किरण किरण को निरख नयन से हो जा मन में मगन। आत्मा परमात्मा की किरण को, उसकी शक्ति को, मन बुद्धि की आंखों से देख रही है। और जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही के दाग को खींच लेता, ऐसे ही इस पल उस अनुभूति में स्थिर हो जाए कि परमात्मा की किरणें शुद्ध, शक्तिशाली किरणें
आत्मा में जो अशुद्धि है उसको खींच रही है और परमात्म शुद्धि से मैं आत्मा फिर से प्योर शुद्ध बन रही हूं। इसी एक संकल्पना में टिक जाएं परमात्मा की किरणें मुझे शुद्ध सतो प्रधान बना रही है। परमात्म किरणों में एक विश्वास का वाइब्रेशन है बच्चे, तुम पावन नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा? तुम प्योर थे, बेदाग थे और मैं तुम्हें फिर से बेदाग प्योर बना रहा हूं। ये वाइब्रेशन मुझे बाबा के समीप ले जा रहा है और मैं स्वयं को बाबा के आगे पूर्णतया मन से बुद्धि से संकल्प से श्वास से और अपने समय से समर्पित करती हूँ। तुम मुझे जैसा बनाने चाहो वैसा ही बनाना। मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे सामने मैं सच्ची हूं। दाग अवश्य है पर दिल में बेदाग बनने का हौसला भी है। इस हौसले को देखते बाबा कहते, बच्चे हिम्मत दे मर्दा,
मदद है खुदा। मेरी सकाश, मेरा प्रकाश, बच्चे तुम्हारे साथ है। स्वीकार करें इस परमात्म सकाश को, उस प्रकाश को स्वीकार करें। बाबा के समीप रहते बाबा के लव में लीन रहते मुझे आत्मा का वाइब्रेशन भी प्योर और पावरफुल बन रहा है। छुड़ गई मन की तार तुमसे, बाबा ये तार ऐसी जुड़ी जो मुझे सारे विस्तार से मुक्ति मिली, और इस एक तार के जुड़ने से संसार की सारी प्राप्ति मिली, मुझे अपनी अशुद्धियों से भी मुक्ति मिली, और अपनी समर्थी की शक्ति मिली। महसूस करें बाबा से सचमुच मुझे अपार शक्तियां मिल रही है।
इस पल मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, और इस पल इस डिवाइन कनेक्शन के आधार से मैं प्योर हूं, पावरफुल हूं, कुछ ऐसी ही जैसी उस काल में थी जब मेरी जीवन कहानी शुरू की थी। उतना सात्विक, शुद्ध, सतोप्रधान स्वरूप का इस पल बाबा के साथ में आनंद ले, और ये शुद्ध ऊर्जा अब फिर से मेरे कर्मों की पहचान है, मैं शुद्ध हूँ, बेदाग हूँ, निस्वार्थ हूँ, इस धरा पर परमात्मा का प्रतीक हूँ, खुदाई खिदमतकार हूँ, परमात्मा के
शक्तियों की दिव्य किरणें अपने विश्व परिवार को दे रही हूं। ये किरणें सबको आराम की अनुभूति कराए। शीतलता का स्पर्श दे। कुछ राहत दे दे। ये परमात्मा किरणों का स्पर्श विश्व की सभी आत्माओं को मेरे आत्मिक बंधुओं को एक पल के लिए उन्हें भी अपनी ओरिजिनल प्योरिटी की याद दिलाती है। फिर से मैं एक बाबा की याद में स्थिर हो जाती हूँ, टिक जाती हूँ, और ये जो अवस्था बनी बाप समान अवस्था, उसका आनंद लेती हूँ। जुड़ गई है मन के तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही हमको, हमारे मिले भाग्य के द्वारे खुले हमको, हमारे मिले आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार।